तो वेल फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है ना, उन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है जिनका जो अकाउंट देश के किसी भी बैंक में ओपन करवा के रखा हुआ है। अगर आपने किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करवा रखा है, चाहे करंट बैंक अकाउंट ओपन करवा रखा है, या आपने कोई ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवा रखा है, या आपने कहीं पर भी जनधन खाता खुलवा रखा है किसी भी बैंक में, HDFC, एक्सिस बैंक, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, इवन आपने पोस्ट ऑफिस में भी अपना अकाउंट ओपन करवा रखा है, तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको मल्टीपल अकाउंट्स रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए, रखने चाहिए तो किस कारण से रखने चाहिए, नहीं रखने चाहिए तो किस कारण से नहीं रखने चाहिए, और हम बात करेंगे कि आपको एक बैंक में कितने अकाउंट ओपन करने के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यानी सेम बैंक में आप कितने अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लाइक आपने SBI में एक सेविंग अकाउंट ओपन करवा रखा है तो फिर से आप दूसरा कोई अकाउंट ओपन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अभी से एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, और किसी भी छोटी बड़ी अपडेट की इन्फॉर्मेशन पहले पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ में ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए आप सभी का और ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले हम उनके बारे में बात करेंगे जिन्होंने एक पहले से अकाउंट ओपन करवा रखा है। एग्जाम्पल के लिए आपने अपने गांव में जो है या अपने शहर में रहते हो तो आपने अपने शहर में किसी भी एक बैंक में, लाइक हम यहां पर ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए SBI बैंक, आपने SBI में एक अकाउंट ओपन करवा लिया, उसके बाद में आपने स्टडी वगैरह कंप्लीट कर ली, देन आपको दूसरे शहर में जाना है, आउट ऑफ स्टेट जाकर कहीं पर नौकरी वगैरह करना है, जॉब आपको मिल गई है वहां पर आपने जॉब करना है, तो वहां पर आपको एक सैलरी अकाउंट ओपन करवाने के लिए बोला जाएगा, और हो सकता है वो सैलरी अकाउंट जो है किसी अदर बैंक में ओपन करवाना हो तो ओपन करवा सकते हैं, बहुत ही इजी है। लेकिन सेम बैंक में अगर आपको एक सैलरी अकाउंट ओपन करवाना है तो उस केस में क्या करना पड़ेगा कि आपको जो पहले वाला अकाउंट है ना सेम बैंक का, यानी आपने SBI में ही सैलरी अकाउंट ओपन करवाना है, ये कंपनी की पॉलिसी है, तो उसके लिए आपको जो है पहले अपने इस अकाउंट को जो आपने गाँव में ओपन करवाया हुआ था इसको बंद करवाना पड़ेगा। अगर आप बंद नहीं करवाते हैं तो आपको दूसरा अकाउंट ओपन करने की परमिशन नहीं दी जाएगी, ये RBI की तरफ से न्यू रूल्स आया हुआ है। नंबर वन चीज तो ये आप समझ लीजिए कि आपका अकाउंट जो है किसी भी बैंक में एक बार आपने कहीं पर भी, यानी देश के किसी भी राज्य में किसी भी सिटी में आपने अकाउंट ओपन कर लिया, उसके बाद में देश के किसी भी अदर कोने में जाकर आप दूसरा अकाउंट सेम बैंक में ओपन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि आज के टाइम में आप जितना भी अकाउंट ओपन करते हो उसमें आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड तो सबमिट करना ही पड़ता है। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आपने कहीं पर भी अकाउंट ओपन कर रखा है, आप उस सिटी से उस स्टेट से अलग जा रहे हैं, तो आप उस अकाउंट को क्लोज करवा दीजिए। अगर आप उस अकाउंट को क्लोज नहीं भी करवाते हैं, सपोज कीजिए आप दूसरे सिटी में गए, वहां पर आपका जो सैलरी अकाउंट है किसी अदर बैंक में, एक्सिस बैंक में, HDFC बैंक में ओपन हो गया, लेकिन आपका जो अब ट्रांजेक्शन होगा तो जो आपने सैलरी अकाउंट ओपन कर रखा है उसमें ही होगा, जो दूसरा आपका अकाउंट था प्राइमरी पहले SBI वाला उसमें अब आप ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हो, तो बहुत टाइम हो गया, 1 साल 2 साल 3 साल हो गया, तो वो जो अकाउंट है ना फ्रीज कर दिया जाएगा। तो अब आपको क्या परेशानी होगी कि अब आपको उस अकाउंट को एक्टिवेट करवाने के लिए पहले तो आपको ब्रांच में विजिट करनी पड़ेगी, उसके बाद में फिर से आपको KYC करना पड़ेगा, तब जाकर आप उस अकाउंट को एक्टिव कर पाओगे, और फिर उसके बाद में आप उसको क्लोज का रिक्वेस्ट दे सकते हो। तो इन सब परिस्थितियों को झेलने से अच्छा है कि आप पहले ही, अगर आपको जरूरत नहीं है एक अलग अकाउंट की, तो आप पहले वाले अकाउंट को बंद करवा दीजिए, फिर उसके बाद में जिस स्टेट में आप जाते हैं वहां पर आप सेम बैंक में चाहो तो अकाउंट ओपन कर सकते हो, किसी भी ब्रांच में आप ओपन कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन पहले वाला अकाउंट आपका क्लोज होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर RBI की न्यू रिपोर्ट की बात करें तो RBI ने यह कहा है कि लगभग कुछ ऐसे अकाउंट हैं जो कि अभी निष्क्रिय किए गए हैं, यानी फ्रीज हो चुके हैं, तो उसमें लगभग 40,000 करोड़ रुपए जो है फंसे हुए हैं, और जिनको मतलब कि कोई यूज नहीं कर रहा है, क्योंकि जहां पर भी आपने अकाउंट ओपन किया होगा तो उसमें आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के लिए तो जरूर से ही छोड़ के रखे होंगे ना, 500,000 जो भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन होता है तो उतना तो आपको रखना पड़ता है, नहीं तो आपको लगता होगा चार्ज उसमें पड़ेगा, तो इस कारण से मिनिमम बैलेंस आप मेंटेन कर देते हैं और उन पैसों को आप हाथ भी नहीं लगाते हो, आप भूल जाते हो आपके पास में मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं, तो क्योंकि आप जिस सिटी में जा रहे हो वहां पर जिस जिस ब्रांच में आपने अकाउंट ओपन करवा रखा है उन ब्रांच वाले अकाउंट को तो आप मतलब कि रेगुलर यूज कर पा रहे होंगे, लेकिन आपने जो अदर किसी सिटी में अदर किसी स्टेट में आपने अकाउंट ओपन किया था तो उस वाले अकाउंट को आप छोड़ देते हो, लेन देन नहीं करते हो, तो एक तरह से वो जो अकाउंट है फ्रीज हो जाता है। तो अब यहां पर आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि उन पैसों का जो है RBI क्या करती है।
तो उन पैसों को जो है ना एजुकेशन के लिए आरबीआई खर्च करना चाहती है, जिसे हम DEF कहते हैं, उसमें ये जो पैसा है आरबीआई लगा देती है। लगभग जो एक टाइम पीरियड होता है 10 साल बाद में ये जो पैसा है वहां से जो एजुकेशन पर्पस के लिए खर्च कर दिया जाता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी अकाउंट ओपन होते हैं ना, बैंक खुद से उनको बंद कभी भी नहीं करती है। भले ही उस अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है, उस अकाउंट में लेन देन नहीं होगा, यानी पैसे जमा नहीं होंगे, निकासी नहीं होगी, लेकिन ऑनलाइन पैसे जमा हो जाते हैं। ये मैं फिर से आपको बता दूं, ऑनलाइन पैसे कहीं से भी जमा हो जाएंगे उस अकाउंट में अगर फ्रीज है फिर भी, लेकिन निकाल नहीं पाएंगे जब तक आप दोबारा से उसकी KYC नहीं करवा लेते हैं। तो ये भी आपको एक नुकसान ही झेलना पड़ता है कि आपको कुछ ना कुछ बैलेंस जो है मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो इस स्थिति से भी बचने के लिए आप अगर एक ही अकाउंट यूज करना चाहते हैं, मतलब एक अकाउंट से आपका काम निकल जा रहा है, तो आप एक दूसरे अकाउंट को क्लोज करवा दीजिए, तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा। और अगर हम और नुकसान की बात करें, तो देखिए आपने एक ही बैंक में अगर अकाउंट ओपन करवा रखा है और किसी कारणवश आपका जो सेम ही बैंक में एक और अकाउंट ओपन हो गया, तो उस केस में क्या होगा कि आपका अगर AEPS ट्रांजेक्शन करना है आपको, तो आप वो नहीं कर पाओगे। जो प्राइमरी अकाउंट है वही आपका अकाउंट चलेगा, उसी के अकाउंट का विड्रॉल वगैरह कर सकते हो। दूसरी चीज, आप इंटरनेट बैंकिंग वगैरह यूज नहीं कर पाओगे, चेकबुक वगैरह आप नहीं ले पाओगे, तो ये सारी चीजें भी आपको नहीं मिलेगी सेकेंडरी अकाउंट, यानी जो बाद में आपने अकाउंट ओपन किया है। तो अब जान लेते हैं एक पर्सन जो है एक ही बैंक में कितने अकाउंट ओपन कर सकता है। तो पहली चीज तो ये आप समझ लीजिए कि एक पर्सन जो है एक सेविंग अकाउंट जो है अगर किसी भी बैंक में ओपन कर लेता है ना, उसके बाद में देश के किसी भी ब्रांच में जाकर उस बैंक में वो सेविंग अकाउंट ओपन नहीं कर सकता है, लेकिन करेंट अकाउंट जरूर से ओपन कर सकता है। यानी एक सेविंग अकाउंट हो जाएगा, एक करेंट अकाउंट हो जाएगा, उसके अलावा एक जॉइंट अकाउंट भी ओपन कर सकता है, यानी किसी फैमिली मेंबर के साथ में मिलकर वो एक और अकाउंट ओपन कर सकता है। तो तीन टाइप के अकाउंट जो है ओपन कर सकता है, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट और जॉइंट अकाउंट जो है एक पर्सन जो है एक ही बैंक में ओपन कर सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों का एक और क्वेश्चन होता है, यदि हमने मल्टीपल अकाउंट्स को ओपन कर रखा है और उन अकाउंट्स में हम लेन देन नहीं कर रहे, अकाउंट फ्रीज हो चुका है, तो क्या उस केस में जो है उसका इफेक्ट हमारे सिबिल पर भी पड़ेगा? तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आप जितने भी अकाउंट ओपन कर लो, आप उसमें लेन देन ना करो, अकाउंट को क्लोज भी ना करो, फिर भी आपका जो सिविल में किसी भी तरह का रिपोर्ट नहीं जाएगा। जब तक आपने उस बैंक के थ्रू कोई भी ड्राफ्ट वगैरह ना ले रखा हो, किसी भी तरह का लोन आपने ना ले रखा हो, तब तक कोई भी बैंक जो है आपके सिविल को रिपोर्ट नहीं कर सकती है। अगर आपने कहीं से भी लोन ले रखा है, आपका अकाउंट भी है, आपने ड्राफ्ट वगैरह ले रखा है, तो वह बैंक जो है आपका रिपोर्ट जो है सिविल में कर सकती है और आपका सिविल भी खराब हो सकता है। लेकिन आपने कहीं से भी लोन वगैरह नहीं ले रखा है, तब तक आपका रिपोर्ट जो है सिविल में नहीं जाएगा और आपका सिविल जो है बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो यही एक इम्पोर्टेंट अपडेट था जो कि हर एक इंसान को पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये वीडियो बनाकर दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और इसी के साथ, आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर से ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोस आए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो यहां तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलता हूं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।